हेलो मेरे फूडी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको एक ऐसा स्नैक्स बनाना दिखाऊंगी जो कि आप बहुत ही जल्द बना सकते हो, बहुत ही कम सामान में बना सकते हो और इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हो। कभी भी मन चाहे आप इसको एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही कुरकुरी और क्रिस्पी बनती है दोस्तों ये कुरकुरी आलू। तो फिर नमस्कार, मेरा नाम है पियाली और आपका स्वागत है मेरी चैनल पियालीज किचन में। चलिए फिर फटाफट से रेसिपी को देख लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए पियालीस किचन चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। इसके लिए हमें लगेंगे कच्चे आलू। मैंने यहाँ पे कुछ कच्चे आलू ली है और इसका छिलका भी निकाल ली है और अच्छे से धो भी ली है। मैंने यहाँ पे 7 आलू लिए है, अगर आप ज़्यादा चाहते हो तो ज़्यादा भी ले सकते हो। यहाँ पे 7 आलू से ना बहुत सारे बन जाएंगे। सबसे पहले तो आपको एक बड़े से कटोरी में लेना है पानी, उसके बाद आपको लेनी है एक थाल और फिर लेनी है एक हैंड ग्रेटर। उसके बाद ये जो आलू है ना, ये हम छोटे वाले जो पार्ट है उसमें से ये हम घिसेंगे। ये पानी जो हमने ली है ना, ये पानी हम क्या करेंगे, ये जो आलू हम घिस रहे हैं ये आलू को उठा के हम सीधा डाल देंगे पानी में। आलू में से जो स्टार्च निकलती है ना, तो उससे हो गया क्या, आलू ना धीरे धीरे कलर चेंज होगा आलू का, मतलब कि ये थोड़े से लाल पड़ जाएंगे। अगर हम इसको पानी में ही डुबो कर रखेंगे ना, तो ये बिल्कुल कलर नहीं चेंज करेगी। तो इस तरीके से हम एक एक आलू घिसेंगे और सीधा हम पानी के अंदर डाल के रख देंगे। आप चाहो तो एक सीधा पानी वाला जो कटोरी है उसके ऊपर भी ऐसे घिस सकते हो। और इस तरह से मैं सारे आलू को पहले घिस लेती हूँ और पानी में डुबो देती हूँ। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये पानी से आपको आलू को फिर से धोना है 2-3 बार, ऐसा कुछ नहीं करनी है, बस डुबो के रखनी है, इसे धोने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने सारे आलू को ऐसे घिस ली है और अभी हम इसको बस पानी में से निकालेंगे। इसको धोने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, जितने के स्टार्च है वो सब पानी के अंदर ही है। अब हम एक प्लेट या फिर एक कटोरी लेंगे और इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके ये घिसी हुई आलू लेंगे, हाथों से अच्छे से हम निचोड़ेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो पानी है वो चली जाए, और उसके बाद इस तरीके से हम रख देंगे। बहुत सिंपल है, इसे धोने की भी ज़रूरत नहीं है और इससे ना सारा का सारा पानी तो जाता नहीं है, थोड़ा बहुत पानी बचा रहता है, लेकिन उससे भी ना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बस इस तरीके से मैं सारे आलू को पहले निकाल लेती हूँ और उसके बाद ये जो पानी है ना, इसको हम फेंक देंगे। और फिर क्या, इसको हम लेके चलेंगे सीधा गैस की तरफ। गैस पे मैंने पहले से ही तेल को गर्म करने के लिए छोड़ दी है। तेल में आपको रखनी है एक बड़ी सी छन्नी। छन्नी क्या कैसे काम करेगी ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। छन्नी में सीधा ये आलू को डालनी है आपको, फ्लेम को रखनी है मीडियम टू हाई पे, और उसके बाद इस तरीके से आपको फ्राई करनी है। फ्राई करने में आपको लगेगी कम से कम 3 से 4 मिनट। हाई फ्लेम पे फ्राई करोगे तब जाके 3 से 4 मिनट ये लगेगी। हाई फ्लेम पे ही इसे फ्राई करनी है दोस्तों, बहुत क्रिस्पी बनेगी। लो फ्लेम पे फ्राई करोगे ना तो ये क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो बस ये फ्राई हो गई है, कलर भी इसका चेंज हो गई है, आप देख सकते हो। लेकिन ये अभी जैसा दिख रही है ना, धीरे धीरे ये और भी थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से हम इसको हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि छन्नी मैंने क्यों रखी थी। अगर मैं इसको ऐसे ही डाल देती ना, तो ये निकालने में ही बहुत सारा टाइम जाता, उसमें ये बहुत सारे जल भी जाते, और सीधा हम छन्नी में से फ्राई करेंगे तो सारा का सारा इसी में रहेगी। तो इसी तरीके से मैंने आलू तो फ्राई कर ली है, थोड़े से मूंगफली भी फ्राई कर लेते हैं। मूंगफली बहुत अच्छे लगते हैं ये कुरकुरी आलू के साथ। और जैसे मूंगफली भी थोड़े से रोस्ट हो जाएंगे, और हाँ दोस्तों, मूंगफली को आपको बिल्कुल लो फ्लेम पे रोस्ट करनी है जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाती है। जैसे ही मूँगफली थोड़ी सी रोस्ट हो जाएगी, हम इसमें थोड़े से करी पत्ता भी डाल देंगे। करी पत्ते में से ना बहुत अच्छी खुशबू मिलती है, तो हो सके तो इसको डालना। जैसे ही करी पत्ता भी फ्राई हो जाएगी, हम बादाम को भी निकाल लेंगे तेल में से। मूंगफली को ना बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे रोस्ट मत करना, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाएंगे। बाहर का पार्ट तो लाल हो जाएगा, लेकिन अंदर ना ये कच्चे रहेंगे। यहाँ पे आलू को मैंने फ्राई करने के बाद एक टिश्यू पेपर में छोड़ दिया है ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो टिश्यू पेपर सोक कर ले। और उसके बाद ऊपर से मैं छिड़क रही हूँ थोड़ी सी
काला नमक ताकि थोड़ा सा चटपटा सा टेस्ट मिले। और उसी के साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर। आप थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हो, सब कुछ आपके ऊपर है दोस्तों। चाहो तो थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल सकते हो, चाहो तो थोड़ा सा चाट मसाला भी आप डाल सकते हो। और उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करनी है। बहुत अच्छी बनी है दोस्तों ये चाय के साथ, या फिर आप ये दाल भात के साथ भी खा सकते हो, ये बहुत यम्मी बनती है। और मसाले ना आप तभी डालना जब ये थोड़ा सा गर्म हो, ठंडा हो जाने के बाद इसमें मसाले डालने की कोई बात होती ही नहीं है, क्योंकि ठंडा हो जाने के बाद इसके ऊपर का जो थोड़ा सा ऑयल होता है वो ये सोक कर लेती है। और आप जब भी मसाला डालते हो ना तो मसाले ये पकड़ ही नहीं पाते हैं, तो इसके ऊपर ऑयल थोड़ा सा रहे तभी जाके आपको इसके ऊपर से मसाले डालने हैं। और ये मूंगफली और करी पत्ते को भी मैंने इसके साथ मिक्स कर ली है। अभी थोड़ा सा ठंडा करने के बाद आप इसको स्टोर करके रख सकते हो महीने भर ये आराम से रहेगी और कभी भी मनचाहा आप इंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ये कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को, ताकि इस तरह के वीडियोस मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकूं। और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ।